चले जाओ, मैं सो रहा हूँ। हम सो रहे हैं। हेनरी, चिल्लाइए, वो ऐसे नहीं उठेगा। मैं जानती हूँ मेरे लाल, पर स्कूल के पहले दिन मैं चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। हेनरी, बेटा हेनरी, तुम चिल्लाओगी तभी वो उठेगा। जानती हूँ। क्या मेरी टाई देखी है कहीं? हेनरी, हेनरी, क्या? मैं सो रहा हूँ। स्कूल का वक्त हो गया। स्कूल? आज मुझे स्कूल जाना है। आपने बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैं उठ रहा हूँ। अब खुश? मुश्किल है स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना। हेनरी, तुम अभी उठते हो या मैं ऊपर आऊं? पता नहीं टाई कहाँ रख दी है। मेरे होशियार छोटे भाई, इसकी जरूरत नहीं है हेनरी, वो तुम मुझे दे दो। हॉलिडे होमवर्क करवाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना? तुम आ गए, अब 30 सेकंड में ब्रेकफास्ट करो और फिर स्कूल के लिए भागो। मुझे याद नहीं है मैंने टाई कहाँ रख दी है। वो देखो पापा। बहुत अच्छे पीटर। बहुत अच्छे पीटर। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं तो भूल ही गई थी, स्कूल के पहले दिन मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। पर आप तो भूल गई। थप्पड़ पड़ेगा। संभल कर पापा। क्या हुआ, तुम चला क्यों रहे थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पापा ने एक स्पाइडर को भगाया। बस छोटा सा स्पाइडर। ओ नहीं, वो सच में बहुत 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 बड़ा था। वो इतना बड़ा था। अब तो बहुत बहादुर हो पापा। कोई बड़ी बात नहीं है पीटर, जल्दी जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ये नामुमकिन है। थप्पड़ पड़े। चलो स्कूल जाओ हेनरी। पर नहीं, तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। थप्पड़ पड़े। गुड मॉर्निंग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। गुड मॉर्निंग चीफ ल्यूटेनेंट। स्कूल शुरू हो गया? हाँ शुरू हो गया। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन हेनरी। क्या बात है राल्फ, तुम आज नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? नहीं, बस यही बाकी था। मार्गरेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बेवकूफ हो। इसे छोड़ो भी हेनरी। हाँ, इसे छोड़ो मार्गरेट। आज नहाना भूल गए क्या गंदे हेनरी? नहीं नहीं, तो क्या फिर कपड़े पहनना भूल गए? मेरा नाइट ड्रेस। हाँ, नाइट ड्रेस मार्गरेट। अच्छा, तो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है? नहीं, ये तो मेरे ही कपड़े है। हाँ, तो इसका मतलब है आज तुम नहाना भूल गए। नहीं, भूला नहीं मैं। आज सुबह सुबह कुछ तो हुआ, पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सच में किसी और को बेवकूफ बनाओ हेनरी। पर ये सच है। इन्हें बताओ पीटर। इन्हें क्या बताओ हेनरी?
हेनरी क्या तुमने इन्हें बताओ कि आखिर आज सुबह क्या हुआ था? आज मामा तुम पर चिल्ला रही थी और नहीं पीटर वो डरावनी चीज। ओ तुम्हारा मतलब? हाँ, जब पापा ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। हाँ सच में वो बहुत बहुत बड़ा था। हाँ बहुत बहुत बड़ा था। वो तो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा था। हाँ वो सच में बड़ा था। उसके बहुत सारे बाल थे और 6 हाथ थे। क्या सच में पीटर तुम उस स्पीशीज को पहचान पाए? शायद वो एक टेटिनारिया जूली का था। ओ, अच्छा हुआ पीटर कि वो एक टेटिनारिया एगेस्ट्रस नहीं था। ये सब एक कहानी है। सच में मार्गरेट, वो सच में इतना बड़ा था और पापा जरा भी नहीं डरे, इसीलिए मेरे पापा बहादुर पापा है। अगर किसी तरह उसने तुम्हें काटा तो तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे, फिर तुम्हारे हाथ और फिर तुम्हारा दिमाग भी दर्द करने लगेगा। चलो हम चलते हैं। मैं इस कहानी पर यकीन नहीं करूंगी। सही सही कहा, झूठी कहानी थी। ए, ये क्या पहना है? टेटिनारिया एगेस्ट्रस सर। ओ, अच्छा ये क्या था? हेनरी और राल्फ, तुम्हें देखकर खुशी हुई। सब अपना हॉलिडे होमवर्क निकालो। फ्यू, बाय बाय बच गए। हेनरी, तो सबसे पहले तुम बताओ तुमने अपनी छुट्टियों में क्या क्या किया? यस मिस बैटलैक्स। इसने नाइट ड्रेस पहनी है, इसने स्कूल में भी नाइट ड्रेस पहनी है। मेरी छुट्टियाँ मिस्टर हेनरी, मैं अपने बिस्तर पर था हर रोज। ओ, आगे पढ़ो हेनरी। हो गया, थैंक यू कद्दू। अच्छा ठीक है, इससे पूछो ये अपनी नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आया है। ओ, अब तुम चुप रहो मार्गरेट, तुम बैठ सकते हो हेनरी। वैसे ये बात सच है कि तुम नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? तो हम फिर से यहाँ आए हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। कर तो रही हो। नहीं कर रही, और वैसे भी हमेशा की तरह ये सब तुम्हारी गलती है। तुम तो बात नहीं करने वाली थी ना मार्गरेट। हेनरी अंदर आ जाओ। इसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी है मिस। तुम भी आओ मार्गरेट। तो बताओ हेनरी, मैंने सुना कि तुम्हारे पापा ने बहुत बहादुरी का काम किया है। आपको कैसे पता चला? पर मिस लवली ने बताया, पीटर ने उन्हें बताया। मुझे तो वो बड़े निडर लगे। जी हाँ मिस। तो मुझे बताओ कि हुआ क्या था? क्या? तो मिस, पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मॉर्निंग मेरे बड़े भैया। मॉर्निंग छोटे भाई। पर ब्रेकफास्ट खाने के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। पापा ने दरवाजा खोला और हमने उसे देखा। पहले यकीन नहीं हो रहा था, पर जब पापा ने फिर से दरवाजा खोला तब पीटर तो अपने कमरे में भाग गया, पर मैंने अपने पापा की मदद की। तैयार हो हेनरी? तैयार पापा। नहीं। और ऐसे वो भाग गए। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुझे मिस लवली ने किसी स्पाइडर के बारे में बताया था। ओह हाँ, स्पाइडर के बारे में तो भूल ही गया। ओह हाँ, स्पाइडर। मैं उसके बारे में कैसे भूल गई? वो इतना बड़ा था। हाँ हाँ पता है, टेटिनारिया एगेस्ट्रस। ज़ू वालों ने हमें बताया। तुमने नाइट ड्रेस क्यों पहना है हेनरी? चलो हेनरी, अब आगे की बातें हम खाते खाते करते हैं, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पर आपने इसे अब तक नहीं पूछा कि उसने अपना नाइट ड्रेस क्यों पहना है मिस ऑटबॉट। अब ये तो समझने की बात है ना मार्गरेट बेटा। तो ज़ू वालों ने तुम्हें क्या कहा हेनरी? तो क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं!